गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे हेलोल गेम्स और हेलोल गेम्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। उसी टॉपिक को आज कंटिन्यू कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे और उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस करवाने हैं मुझे वो मैं आपको करवा रहा हूँ। जो भी क्वेश्चंस मैं नहीं करवाऊंगा एमटीजी में से वो आपको ट्राई करनी है। पीडीएफ मैंने आपको सेंड ऑलरेडी की हुई है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आएगी तो हम सर भी आगे पूछ सकते हो। तो डिस्कस करेंगे आज हम सबसे पहले एमटीजी का 20th क्वेश्चन। जो हमारे पास हमारे एमटीजी है उसका 20th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक कंपाउंड है हमारा 1-bromo-4-sec-butyl-2-methyl-benzene। मतलब हमें नेम ऑलरेडी बता दिया, हमें इससे स्ट्रक्चर बनाना है। तो जब भी आपको नेम दिया हो और आपको स्ट्रक्चर बनाना हो तो हमेशा पीछे से स्टार्ट किया करो। सबसे पीछे हमारे पास बेंजीन है तो यहाँ पे सबसे पहले आप बेंजीन ड्रॉ करिए। अब उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट लगाए हुए हैं। सब्स्टिट्यूएंट जो है वो एक पर्टिकुलर पोजिशन पे लगे हुए हैं तो आप बेंजीन में पहले सभी पोजिशन को डिफाइन कर दो। ये मैंने बेंजीन की नंबरिंग कर दी। 1 पे लगाना है ब्रोमो, 2 पे लगाना है मिथाइल, 4 पे लगाना है सेक ब्यूटाइल। अब ब्यूटाइल हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल है, ब्यूटाइल हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल है। इसमें उसने बोल दिया सेक ब्यूटाइल, तो सेक का मतलब है यहां पे सेकेंडरी। हमने सेकेंडरी कार्बन को बेंजीन के साथ अटैच करना है फोर्थ पोजीशन पे। तो अगर मैं इसको अटैच करूंगा या इसको अटैच करूंगा, ये तो प्राइमरी है, ये दोनों सेकेंडरी हैं, इनमें से एक कार्बन को मुझे बेंजीन 3 के साथ अटैच करना है। तो जैसे सपोज करो मैंने इस वाले कार्बन को अटैच किया तो फिर ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे कम हो जाएगा और यहाँ पे एड हो जाएगा। मुझे सेकेंडरी कार्बन को अटैच करना है तो सेकेंडरी कार्बन अटैच कर दिया मैंने। एक साइड आ जाएगा CH2CH3 और एक साइड आ जाएगा CH3। तो ये मैंने 4 पे सेक ब्यूटाइल लगा दिया। अगर ये ब्यूटाइल होता तो फिर ये आता, फिर मैं टर्मिनल वाले छोड़ता। समझ रहे हो ना ब्यूटाइल और सेक ब्यूटाइल में क्या फर्क है? तो क्योंकि यहां पे सेक ब्यूटाइल दिया हुआ है इसलिए मैंने सेकेंडरी कार्बन वाला जो हमारा ब्यूटाइल था उसको अटैच किया। ये हमारा 20th क्वेश्चन था। 20th क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट हमें करना है 21 का सेकंड पार्ट। जो 21 है हमारा 21 का सेकंड पार्ट CnCl3। हमारे पास हमारा मॉलिक्यूल है CCl3, तो एक कार्बन है उस पर 3 क्लोरीन है और ये वाला पार्ट हमारा 3 बार रिपीट हो रहा है और उसके बाद हमें ब्रैकेट के बाद ये है CCl, कार्बन और Cl। तो पहले तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, जो हमारे पास कार्बन है उसके बाहर जो भी ब्रैकेट में है उसको एक बार सब्स्टिट्यूएंट मान लो। तो इस कार्बन पे 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं ये वाले, तो लगा देते हैं। कार्बन पे पहला CCl3, दूसरा CCl3 और यहां पे ये तीसरा CCl3। फिर चौथी बॉन्ड जो है वो क्लोरीन के साथ वो तो बनी हुई है। तो ये हमारे पास हमारा स्ट्रक्चर बनेगा। इसका नाम बताना है मुझे। ये हमारे पास हमारा केस है सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है? तो इसमें नाम कैसे लिखेंगे, देखो मैं स्ट्रक्चर को एक बार दोबारा बना रहा हूं। कार्बन के साथ क्लोरीन, नीचे कार्बन ऊपर कार्बन, इस कार्बन पर 3 क्लोरीन, इस कार्बन पर 3 क्लोरीन और इसके साथ एक और कार्बन है उस पर भी 3 क्लोरीन। तो ये मेरे पास मेरा ओपन स्ट्रक्चर आ गया। अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, 1-2-3 कार्बन की चेन, 1-2-3 कार्बन की चेन या 1-2-3 कार्बन की चेन, चाहे स्ट्रेट चेन लो चाहे बेंड वाली चेन लो, 3 कार्बन की चेन मैक्सिमम बनती है। तो जो आपकी मैक्सिमम चेन है
उसको मैंने डब्बे में बंद कर लिया। डब्बे में बंद करने के बाद मैंने ये देखा इस कार्बन पे कितने सब्सिट्यूएंट है, एक दो तीन, सॉरी इस कार्बन चेन पे, मैंने बोला था कार्बन पे नहीं, इस कार्बन चेन पे कितने सब्सिट्यूएंट है, एक दो तीन चार पांच छह सात, सात तो क्लोरीन है सब्सिट्यूएंट में, और आठवां सब्सिट्यूएंट ये रहा जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सिट्यूएंट है। तो हमें यहाँ पे आठ सब्सिट्यूएंट्स के नाम बताने हैं। ये तो हमें पता है ये सारे क्लोरो हैं, क्लोरो सब्सिट्यूएंट सात बार रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए क्या प्रीफिक्स लगाओगे, हेप्टा लगाओगे। दो के लिए टाई लगाते हो, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, पांच के लिए पेंटा, सिक्स के लिए हेक्सा और सात के लिए हेप्टा। तो ये क्लोरीन हमारा सात बार रिपीट हो रहा है तो हेप्टा क्लोरो, और इसकी सातों पोजीशंस बतानी पड़ेगी कौन कौन सी पोजीशन पे हो रहा है। नंबरिंग चाहे ऊपर से स्टार्ट करो नीचे से स्टार्ट करो सेम है, चेक कर लेना। तो मैंने नंबरिंग ऊपर से स्टार्ट कर दी, कौन कौन सी पोजीशन पे क्लोरो आ रहा है, सबसे पहले इसका नाम है हेप्टा क्लोरो सब्सिट्यूएंट का, ये जो सात क्लोरीन है ये आ रही है वन वन वन, फिर टू पे और फिर थ्री थ्री थ्री। ठीक है, इस वाले पार्ट का नाम आपने कर लिया, ये रह गया, ये कॉम्प्लेक्स सब्सिट्यूएंट है, मेन चेन के ऊपर सब्सिट्यूएंट, सब्सिट्यूएंट के ऊपर फिर से सब्सिट्यूएंट। तो कॉम्प्लेक्स सब्सिट्यूएंट का नाम कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। एक बार मैं इस चेन को नहीं देखूंगा, जो मेन चेन थी उसको मत देखो, सिर्फ इसको देखो, एक कार्बन है नंबर वन, इस एक कार्बन पे तीन क्लोरीन आ रहे हैं, वन 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 ट्राई क्लोरो, ठीक है, और एक कार्बन है इसको क्या बोलूंगा, मिथाइल। इसका नाम क्या आ गया, वन 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 ट्राई क्लोरो मिथाइल। और ये कौन से कार्बन पे है मेन चेन के, ये मेन चेन के सेकंड कार्बन पे है, तो इस पूरे नाम को ब्रैकेट में रखो, ये लो। समझ में आ गया, कॉम्प्लेक्स सब्सिट्यूएंट का नाम हमेशा ब्रैकेट में आता है, और ब्रैकेट के बाहर आप कौन सा लोकेट दिखाते हो, जिस मेन चेन के कार्बन पे हमारा सब्सिट्यूएंट अटैच है। तो एक ये सब्सिट्यूएंट था, एक ये सब्सिट्यूएंट था, दो ही सब्सिट्यूएंट थे। अब अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, अल्फाबेटिकली पहले ये आएगा, क्योंकि हेप्टा वगैरह जो होती हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड नहीं होते, इसका नाम सी से स्टार्ट है। कॉम्प्लेक्स सब्सिट्यूएंट में आपने क्या देखा, टी से स्टार्ट है, कॉम्प्लेक्स सब्सिट्यूएंट में डाई ट्राई लेना होता है, समझ में आ गया। तो ये सी से ये टी से ये पहले आएगा, नाम आ जाएगा वन 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 टू थ्री 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 हेप्टा क्लोरो टू वन 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 ट्राई क्लोरो मिथाइल। पहला सब्सिट्यूएंट, दूसरा सब्सिट्यूएंट, मेन चेन में तीन कार्बन है प्रोपेन, तो ये इसका नियम, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल पेपर में आ नहीं सकता, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, कोई स्पेशल ऐसे बाहर से नहीं आया एग्जाम्पल, ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है, और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पेपर में आ सकती है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हमारा केस रहेगा। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, किसमें आंसर में आप कुछ पता है जी, आंसर में ट्राइक्लोरो पहले दिखा रखा है पर वो पहले नहीं आएगा, क्योंकि आप खुद सोचो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखते हैं, टी पहले आएगा या सी पहले आएगा। चलो मान लो इन्होंने ट्राई को इंक्लूड नहीं किया, मान लो फिर भी इसका नाम है क्लोरो और इसका नाम है क्लोरोमिथाइल। अगर आप डिक्शनरी फॉलो करते हो ना, छोटे वर्ड्स पहले लिखे होते हैं, बड़े वर्ड्स बाद में लिखे होते हैं, ये भी पता होगा आपको। तो इसके नेम के अंदर छह करेक्टर है, इसके नेम के अंदर क्लोरो भी है, मिथाइल भी है, इसमें ज्यादा करेक्टर है, तो फिर भी इसी का नाम पहले आएगा। तो बुक में मुझे पता है आंसर क्या है क्या नहीं, लेकिन आपको यही नाम देना है, ये वाला नाम सही है। समझ में आ गया, कौन से वाला, क्या 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 नहीं बता रहे इसमें, हाँ जी कैपिटल आएगा,
अच्छा नहीं, ये वाला कैपिटल कर सकते हो, मैंने ध्यान नहीं दिया था, फर्स्ट करेक्टर कैपिटल, उसके बाद सारी छोटी, ठीक है। आपने मैंने इसमें नेम देने के लिए क्या किया, आपने ये देखना है कि मेन चेन के साथ कितने कार्बन है, जो भी कार्बन आपका मेन चेन के साथ होता है उसको नंबर वन दो। अब एक ही कार्बन है नंबर वन, उस पर तीन सब्सिक्वेंट है, तीन सब्सिक्वेंट सेम है तो ट्राई करो और तीनों की पोजीशन बताओ, तीनों पहले कार्बन पे हैं तो वन 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 ट्राई करो। अब ये एक कार्बन है इसको मिथेन बोलेंगे, मिथेन इसको तब बोलते अगर ये मेन चेन पे होता, सब्सिक्वेंट है इसको कभी भी मिथेन नहीं बोलेंगे, इसको मिथाइल ही बोलेंगे। समझ में आ गया? तो 111 ट्राइक्लोरोमिथाइल, ये हमारे इस पार्ट का नाम है। जो बाकी सब्सिक्वेंट थे वो मैंने यहां बताए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये पहले आएगा, इसी को लिखना, ठीक है ना। तभी मैंने ये क्वेश्चन करवाया क्योंकि ये टिपिकल भी है और इसका जो आंसर है वो बुक से मैच नहीं करता, बुक में अलग आंसर है, तो आपको यही लिख के आना। समझ में आ गया होगा? 21 का सेकंड पार्ट था ये, क्वेश्चन हमारा हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 23rd क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन देखो, हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, कन्वर्सन है, वैसे आसान से कन्वर्सन है, मैं करवाना नहीं चाहता था पर क्योंकि कन्वर्सन है, नाम सुनते ही ज्यादा भी कन्वर्सन है ये तो नहीं होगी, इसलिए मैं करवा रहा हूं। अभी आप देखोगे कितनी सिंपल कन्वर्सन है, तो मुझे ब्यूटीन को 1-hydrobutane में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 23, ब्यूट 1-ene को कन्वर्ट करना है 1-hydrobutane में। देखो कन्वर्सन करने का तरीका बता रहा हूं, तो उस तरीके को फॉलो करोगे तो हो सकता है कि आपके कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होने स्टार्ट हो जाए। कन्वर्जन करने के लिए सबसे पहले आपको माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर क्या है और आपके प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर क्या है। तो ब्यूटीन का स्ट्रक्चर होता है मेरे पास ये, चार कार्बन है, वन का मतलब पहले में डबल बॉन्ड है, ठीक है, और मुझे इसे बनाना है 1-hydrobutane जिसका स्ट्रक्चर होगा ये। तो सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के स्ट्रक्चर आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है जी। अब इससे ये कैसे बनाऊं, एक रिएक्शन पढ़ी थी मैंने, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स, अगर आप एल्कीन में हैलोजन एसिड ऐड कर देते हैं तो फिर आप कोई भी हैलोजन जो है वहां पे लगा सकते हो। HCl करोगे तो क्लोरो आ जाएगा, HBr ऐड करोगे तो ब्रोम आ जाएगा, HI ऐड करोगे तो I2 आ जाएगा। अब उसमें दिक्कत है, दिक्कत देखो क्या है, हाँ जी नहीं नहीं HI रिवर्सिबल करता है एल्केन्स में, ठीक है ना, एल्केन्स में। अब देखो एक बार, मैंने इसकी कन्वर्जन स्टार्ट की, इसके अंदर मैंने HI ऐड कर दिया, HI ऐड करूंगा तो कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनी का रूल लगेगा। मार्कोनी का रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल गोज ऑन दैट कार्बन विच कंटेन लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इन दोनों में से लेसर नंबर किसके पास है, इसके पास। तो अगर मैं इसके अंदर HI सीधा ऐड कर दूंगा तो मेरे पास ये प्रोडक्ट बना, क्या प्रोडक्ट है, 2-hydrobutane, टू तो नहीं बना, क्या बनाना है, वन पे ही लग नहीं सकता, जब तक मार्कोनी का रूल लगाऊंगा वन पे नहीं लगेगा, फिर कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, एंटी मार्कोनी का रूल लगाना पड़ेगा। लेकिन एंटी मार्कोनी का रूल सिर्फ ब्रोमीन पे लगता है, आयोडीन पे लगता ही, तो यहां पे इसी को कन्वर्जन बोलेंगे, इसलिए मैं इसको कन्वर्ट करूंगा। तो मैं यहां पे लगाता हूं एंटी मार्कोनी का रूल, HBr ऐड करता हूं, एंटी मार्कोनी का रूल मेरी मर्जी से नहीं लगेगा, परऑक्साइड डालना पड़ेगा। उसने एक बच्चा पूछ रहा था, मुझे याद नहीं है कि सर मार्कोनी का कब लगेगा, एंटी मार्कोनी का कब लगेगा, समझ भी नहीं आता, तो बता दिया मैंने। अगर आपके पास HBr है और HBr के साथ परऑक्साइड ऐड किया हुआ है तो फिर आपका एंटी मार्कोनी का लगेगा। अगर HBr लिख के सीधा हीट कर दिया या एसिड डाल दिया, परऑक्साइड नहीं लिखा हुआ तो मार्कोनी का बनाओ, यानी कि एंटी मार्कोनी का कौन करवाएगा, परऑक्साइड करवाएगा और HBr करवाएगा। मार्कोनी का रिएक्शन तो कोई भी शो कर देगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन,
एंटी मार्कोनिका सिर्फ कौन शो करता है, ब्रोमीन। तो यहाँ पे परोक्साइड डालना है, मुझे याद ही नहीं आ रहा कौन सा परोक्साइड है। तो नंबर नाम कटवाने के तरीके, मुझे परोक्साइड का फॉर्मूला याद नहीं है, तो लिख दो परोक्साइड, कोई बात नहीं। वैसे फॉर्मूला याद हो तो अच्छी बात है, मैंने बताया था बेंजोइक परोक्साइड होता है, तो अगर फॉर्मूला याद होगा तो और अच्छी बात है। ये रहा बेंजोइक परोक्साइड, ठीक है। तो यहां पे अब क्या होगा, परोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिक रिएक्शन होगी, ब्रोमीन जो है वो पहले कार्बन पे लगेगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1-bromobutane, 1-bromobutane, 1 पे आ गया, ब्यूटेन आ गया, पर ब्रोमो आया, अपने को क्या लगाना है, आयोडीन। तो आयोडीन लगाने के लिए मैंने कौन सी रिएक्शन बताई थी, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, जिसका नाम था फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो यहां पे आप कौन सी रिएक्शन करोगे, फिंकलस्टीन, सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो Na और Br, Na Br रिमूव हो जाएगा, उसकी जगह पे आयोडीन आ जाएगा, बन गया 1-hydroxybutane। कन्वर्जन ये इसलिए हो पाई क्योंकि मुझे रिएक्शन याद थी, अगर आपको याद नहीं है फिंकलस्टीन रिएक्शन नाम की कोई रिएक्शन भी होती है तो फिर नहीं होगी कन्वर्जन, इतनी मची मेहनत कर लेना आप यहां तक कर लेंगे फिर अटक जाएंगे, क्योंकि ब्रोमीन लगाना था, आयोडीन कैसे लगाएं, तो आयोडीन लगाने का यही तरीका है। फ्लोरो एल्केन्स बनाने के लिए फ्लोरीन वाले कंपाउंड, फ्लोरो एल्केन्स बनाने के लिए और हाइड्रो एल्केन्स बनाने के लिए हेलो एल्केन लेना पड़ता है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है हमेशा, तो इसलिए ये कन्वर्जन करवाई है, क्लियर है। तो दो स्टेप लगे, आधे मतलब एक स्टेप जो है वो आधे नंबर का, तो एक नंबर में कन्वर्जन आ सकती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 23 के बाद 27। 27 में हमें दिया गया ये प्रोडक्ट, सॉरी ये रिएक्टेंट, इसकी रिएक्शन मुझे करवानी है ब्रोमीन के साथ अल्ट्रावायलेट लाइट। लाइट अल्ट्रावायलेट है या कौन सी है वो मैटर नहीं करता, मेन बात यह है कि लाइट है, तो हमें लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है, वो सनलाइट भी हो सकती थी, तो आपको ये नहीं देखना कि यूवी में क्या होगा सनलाइट में क्या होगा, सब कुछ नहीं है, लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन है, तो वो कोई मर्जी लाइट हो रिएक्शन करवाने का तरीका सेम रहेगा। अब यहाँ पे अपने को ये वाला प्रोडक्ट दे दिया, सॉरी ये वाला रिएक्टेंट दे दिया, अब इसको ध्यान से देखो एक बार, ब्रोमीन लगाने लाइट की प्रेजेंस में, इसमें दो बातें, या तो अटैक होगा बेंजीन पे या अटैक होगा इथाइल पे, दो ही पॉसिबिलिटी है ना, या तो मैं ब्रोमीन लगाऊंगा बेंजीन पे या ब्रोमीन लगाऊंगा इथाइल ग्रुप पे यानी कि स्ट्रेट चेन पे। तो आपको कंडीशन देखनी है, अगर यहां पे मैं ब्रोमीन ऐड कर रहा होता अंधेरे में यानी कि डार्क में, या ब्रोमीन ऐड कर रहा होता इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, तब रिएक्शन होती बेंजीन पे। जब भी आप रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में करवाते हो तो वो कहां पे होती है, स्ट्रेट चेन पे होती है, बेंजीन पे नहीं होती। बात समझ में आ गई, अगर यहां पे कंडीशन मुझे यह दी होती, सपोज करो ये कंडीशन दी हुई थी, या डार्क की जगह लिखा होता कोई ना कोई लुईस एसिड, तब मैं रिएक्शन कहां पे करवाता, बेंजीन पे। लेकिन लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कहां पे होगी, स्ट्रेट चेन पे रिएक्शन होगी। अब स्ट्रेट चेन में भी दो पॉसिबिलिटी है, इस पे लगाऊंगा या इस पे लगाऊंगा, इस पे लगाऊंगा तो ये है प्राइमरी, इस पे लगाऊंगा तो ये है सेकेंडरी, स्टेबल कौन सा होता है, सेकेंडरी, इसलिए ब्रोमीन कहां लगेगा, तो हमारा प्रोडक्ट है कि ये NO2 को नहीं छेड़ना, बेंजीन को नहीं छेड़ना, यहां पे आएगा ब्रोमीन और यहां पे आएगा CH3, तो ये अपनी रिएक्शन है। तो फिर से अगर मुझे रिएक्शन याद थी, मुझे तभी पता होगा कि लाइट की प्रेजेंस में बेंजीन पे रिएक्शन नहीं होती, बेंजीन पे रिएक्शन होती है डार्क में या इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। समझ में आ गया, यहां पे मैं क्या करता, बेंजीन पे लगाता ब्रोमीन, यहां पे किस पे लगाऊंगा, स्ट्रेट चेन पे लगाऊंगा। तो ये हमारे पास हमारा केस होता है, क्लियर हो गया होगा।
क्लियर है? तो ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 23rd 7 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ऑर्थो मेटा डायरेक्टिव, विड्रॉइंग होते हैं मेटा डायरेक्टिव। तो अगर आप इसके ऑर्थो पे लगा रहे हो ठीक है, अगर आप इसके ऑर्थो पे लगाओगे तो विड्रॉइंग के मेटा पे लगा तो भी ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आया? अगर आप इस रिएक्शन में ब्रोमीन को यहां लगा दोगे तो वो गलत है। यहां लगाने का मतलब है आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के मेटा पे लगा दिया, नहीं लगता। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के या तो ऑर्थो पे लगता है या पैरा पे। पैरा तो ब्लॉक्ड है, वो कहां लगेगा? ऑर्थो पे। और अगर आपने ब्रोमीन यहां लगा दिया मतलब आपने विड्राइंग के ऑर्थो पे लगा दिया, विड्राइंग के ऑर्थो पे लगता है, विड्राइंग के मेटा पे लगता है, तो इसके ऑर्थो पे इसके मेटा पे दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है ये पोजीशन, तो यहां चेक कर लो। समझ रहे हो ना? तो ये आपका प्लस वन का कंसेप्ट था। चलो अब इसके बाद 27th क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है 29, 30, 31, ये लगातार है। तो सबसे पहले 29 बता दो, उसने बोला ए हाइड्रोकार्बन C5H12 गिव ओनली वन मोनोक्लोरीनेशन प्रोडक्ट। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसने बोला हमारे पास एक कंपाउंड है C5H12, करते हैं ना तो इसमें एक ही प्रोडक्ट बनता है। और ये हैरानी वाली बात है, वो हैरानी वाली बात इसलिए है क्योंकि जो हमारे पास पेंटेन है उसमें 5 कार्बन है, पांचों में से किसी भी कार्बन पे अटैक हो सकता है, इसलिए 2-3 तरह के प्रोडक्ट बनने चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितने तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं? एक ही तरह का प्रोडक्ट बन रहा है। तो कहता कार्बन चेन का स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट करो और वो स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिसमें एक ही चेन बने, सॉरी एक ही प्रोडक्ट बने। अब देखो इसको एक बार, 5 कार्बन वाला एल्केन है, मैंने ये ले लिया, मुझे पता नहीं था कौन सा स्ट्रक्चर है, मैंने ये ले लिया, इसकी क्लोरीनेशन करूं, इसकी क्लोरीनेशन करूंगा ना, यहां क्लोरीन लगने का चांस है एक प्रोडक्ट, यहां क्लोरीन लगने का चांस है 2 प्रोडक्ट, यहां पे क्लोरीन लगने का चांस है 3 प्रोडक्ट, यहां पे क्लोरीन लगने का चांस है 3 प्रोडक्ट, 4 क्योंकि यहां पे लगाया सेम ही बात है, तो 3 चांस बनेंगे, 4 नहीं है या 5 नहीं है। समझ में आ गया होगा? 1, 2, 3, 2, 1, तो 3 ही प्रोडक्ट बनेंगे। अगर मैं इसकी क्लोरीनेशन करूंगा कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 3। ये गलत है क्योंकि उसने बोला कि एक ही प्रोडक्ट बनाना है, तो ये चेन तो होगी नहीं। तो इसी तरीके से आपको सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करोगे? मेरे माइंड में एक आइडिया है, आपके पास चारों पोजीशन जो है वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर चारों पोजीशन इक्विवेलेंट होंगी फिर आप चारों में से कहीं मर्जी लगा दो वो एक ही कंपाउंड माना जाएगा। तो इसके आइसोमर्स देखने पड़ेंगे कौन कौन से आइसोमर्स हैं। बना दो इसके आइसोमर्स, 5 कार्बन वाले के कौन कौन से आइसोमर बनेंगे। देखो जो रुचिका आपने पूछा था एन क्या होता है, आइसो क्या होता है, अब पता लगेगा। तो यहां पे देखो एक आइसोमर बना, ये सारे स्ट्रेट चेन में है, एन पेंटाइल क्लोराइड, फिर एक कार्बन सब्सिट्यूएंट में ले जाता हूं, कौन सा ग्रुप आ रहा है? CH3 CH CH3 आइसो पेंटाइल क्लोराइड। फिर ये वाला केस, इसमें क्वार्टनरी कार्बन प्रेजेंट है, तो ये कौन सा होगा? क्वार्टनरी है, टर्ड तो टर्शियरी के लिए आता है, नियोपेंटाइल क्लोराइड। क्वार्टनरी के लिए नहीं है, 3 से ज्यादा ऐसा कोई रूल नहीं है, क्वार्टनरी के लिए। ऐसा कार्बन है जिसपे चारों के चारों कार्बन चेन है तो वो क्वार्टनरी है, और क्वार्टनरी का मतलब आपको नियो प्रीफिक्स लगाना है। तो इसके में 3 आइसोमर बनेंगे, तीनों दिखा दिए मैंने। अब देखो
इसमें मैंने बता ही दिया इसमें तीन प्रोडक्ट बनते हैं, अभी नीचे प्रूव किया था। इसमें कितने टाइप के बनेंगे, यहां लगाऊंगा या यहां लगाऊंगा, सेम बात है, प्राइमरी यहां लगाऊंगा, सेकेंडरी यहां लगाऊंगा, टर्शियरी, तो इसमें भी तीन टाइप के बनेंगे। इसको देखो, यहां लगा दिया तीन मिथाइल ग्रुप एक क्लोरीन, सही है। फिर इसकी जगह ने यहां लगा दिया, अभी भी तीन मिथाइल ग्रुप और एक क्लोरीन। अगर यहां लगाऊंगा तीन मिथाइल ग्रुप एक क्लोरीन, और अगर यहां लगाऊंगा फिर भी तीन मिथाइल ग्रुप और एक क्लोरीन, मतलब यहां पे चार पोजीशन है लगाने के लिए, लेकिन मैं चारों में से किसी भी पोजीशन में लगाऊं एक ही टाइप का प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें तीन मिथाइल आ रहे हैं और एक क्लोरीन आ रहा है, यानी कि इसकी चारों पोजीशन इक्विवेलेंट है, यानी कि इस रिएक्टेंट में कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है, ये वाला कंपाउंड प्रेजेंट है। कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम क्या दोगे, 1,1-2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो यहां पे 29th क्वेश्चन जो था आपका, उसमें कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है, ये वाला कंपाउंड प्रेजेंट है, नियोपेंटेन। समझ में आ गया होगा, तो ये हमारे पास हमारा कंसेप्ट हो गया, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, हो जाएगा। 29th के बाद देखो 30th क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन बड़ा अटैक है, इसमें अटैक नहीं सॉरी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें अटैक जो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो 30th क्वेश्चन देखना अभी। थर्टियथ क्वेश्चन में हमें एक कंपाउंड दिया हुआ है, उसने बोला कि उस कंपाउंड पे ब्रोमीन अटैक करेगा, ब्रोमीन पे अटैक करने के बाद प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। तो वो कंपाउंड मैं यहां पे बता रहा हूं, कंपाउंड है हमारा CH2CH CH2C CH। कहता है इस पे ब्रोमीन अटैक करेगा, ब्रोमीन अटैक करेगा तो आप अपना प्रोडक्ट जो है वो प्रेडिक्ट करो। अब इसमें दो बातें हैं, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो दोनों में अटैक पॉसिबल है हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि दोनों में पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो ब्रोमीन जो होगा वो या तो डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा या ट्रिपल बॉन्ड पे। तो मैंने आपको रिएक्टिविटी बताई थी, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से आप किसको प्रेफरेंस देते हो, डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड को अपन नेमिंग में प्रेफरेंस देते हैं, मैं नेमिंग की बात कर रहा हूं, तो नेमिंग में आप उसी को प्रेफरेंस देते हैं जो मोर रिएक्टिव होता है। तो अगर आप डबल और ट्रिपल में से डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे रहे हो, इसका मतलब डबल बॉन्ड मोर रिएक्टिव है, और क्योंकि डबल बॉन्ड मोर रिएक्टिव है तो रिएक्ट कौन करेगा, डबल बॉन्ड करेगा, ट्रिपल बॉन्ड रिएक्ट नहीं करेगी। तो जब आप इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाओगे ना, डबल बॉन्ड टूटेगी, दोनों पे इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, दोनों पे ब्रोमीन आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बीइंग मोर स्टेबल एज इट इज रहेगी, इस पे अटैक नहीं होगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। समझ में आया, तो ये याद रखना, ये पॉइंट है, मतलब पेपर में जरूरी नहीं है ना यही कंपाउंड आएगा, लेकिन पेपर में अगर आपको एक ही मॉलिक्यूल में डबल और ट्रिपल बॉन्ड दे दी तो आपको अटैक डबल बॉन्ड पे करना है, ट्रिपल पे नहीं करना, ट्रिपल ज्यादा स्टेबल होती है, ठीक है जी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 30। फिर आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनोहैलोजनेशन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन हमें बताई हुई है, उसमें प्रोडक्ट हमें प्रेडिक्ट करना है। अब ये रिएक्शन इतनी मुश्किल नहीं थी, लेकिन मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि रिएक्टेंट दिखने में मुश्किल लग रहा है। सर आपने तो भी ऐसे एग्जांपल पढ़ा ही नहीं, आपने पढ़ा था मीथेन इथेन प्रोपेन, उसमें तो कोई भी कर देगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पे सबसे पहले डबल बॉन्ड है, पहली बात, डबल बॉन्ड में हैलोजन एसिड ऐड कर रहे हो, साथ में कुछ भी ऐड नहीं किया हुआ, तो कौन सा रूल लगाओगे, मार्कोनिकोव रूल लगाओ। मार्कोनिकोव रूल में नेगेटिव पार्ट जो होता है वो कौन से कार्बन पे जाएगा जिसपे लेस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, तो बस हमें ये पता करना है कि किसके पास हाइड्रोजन कम है। समझ में आ गया, कैसे पता करेंगे, यहां पे कुछ नहीं बताया हुआ, इस पॉइंट पे एक कार्बन होगा, इस पॉइंट पे एक कार्बन होगा, एक बार ले लो, हो गया। कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, चार,
इस कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं? एक दो तीन चार, चार बने हुए हैं, जीरो हाइड्रोजन। इस कार्बन कितने बने हुए हैं? तीन, यानी कि चौथा बॉन्ड किसने बनाया होगा? हाइड्रोजन। तो दोनों में से लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है? इसके पास, इस वाले कार्बन के पास। तो नेगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा? इसके पास जाएगा। ये लो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, यहां पे आयोडीन, यहां पे हाइड्रोजन प्रोडक्ट कर गया, सिंपल एज दैट। एक आयोडीन तो पहले से था लेकिन वो शो नहीं किया हुआ था, तो हम भी नहीं, तो वही हाइड्रोजन शो करेंगे जो हमने लगाया, समझ गए? तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब पेपर में लगता पता नहीं क्या दे दिया, कुछ भी नहीं था। आप अपने बेसिक कंसेप्ट पे रखना, बेसिक कंसेप्ट ये था कि डबल बॉन्ड पे अटैक करना होता है और लेसर नंबर वाले हाइड्रोजन वाले पे नेगेटिव पार्ट आएगा, उतना सा काम, समझ में आया? ये था आपका 31st क्वेश्चन। 31st के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 32 और 34। ठीक है कशिश, वेरी गुड। आज कशिश की क्लास जो है किश्तों में लग रही है। तो कौन सा बोला मैंने? 32 और 34। अच्छा 32 फटाफट देख के बताओ, आप ही बताओगे। साइक्लोहेक्सीन है, ब्रोमीन ऐड करने इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस में करना है, लाइट की प्रेजेंस में। तो कहां पे अटैक करूंगा? जब लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाती है तो एल्केन रिएक्ट करता है या एल्कीन रिएक्ट करता है? अभी बताया था मैंने एल्कीन करता है। फिर डार्क में कौन करता है? डार्क में कौन करता है? एल्कीन। फिर लाइट में कौन करता है? चलो जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, मैंने पहली रिएक्शन आपको ये करवाई थी, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। क्या था उस रिएक्शन में? एल्केन रिएक्ट विद क्लोरीन ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो सिंगल बॉन्ड वाले लाइट की प्रेजेंस में करते हैं। अभी तो बताया था जब वो ब्रोमीन वाला एग्जांपल लिया था, मैंने बेंजीन बनाई हुई थी, ऊपर इथाइल ग्रुप था, लाइट की प्रेजेंस में मैंने इथाइल पे अटैक करवाया था, बेंजीन पे नहीं करवाया था जो डबल बॉन्ड वाली होती है। तो लाइट की प्रेजेंस में किस पे अटैक होगा? सिंगल बॉन्ड पे। ये दोनों कार्बन है सिंगल बॉन्ड वाले, और ये वाले कार्बन, सॉरी ये दोनों कार्बन है डबल बॉन्ड वाले, और ये दोनों कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले। तो या तो इस कार्बन पे अटैक करवाओ या इस कार्बन पे, मैं इस पे करवा रहा हूं। डबल बॉन्ड एज इट इज, ये रहा ब्रोमीन, जो यहां से हाइड्रोजन निकला होगा वो दूसरे ब्रोमीन के साथ। अगर यहां पे ये लिखा होता तो चलो इसको ऐसे रहने दो, अगर यहां पे ये लिखा होता तो फिर डबल बॉन्ड पे अटैक होता, ये दोनों रिएक्शन में फर्क देखो, समझ में आया ना? तो ये छोटी छोटी बातें दिमाग में डाल दो, क्योंकि यही पे नंबर करते हैं। हमें ये तो याद है कि ब्रोमीन का अटैक करवाने, पर ये नहीं पता लाइट में कैसे करते हैं और डार्क में कैसे करते हैं, इसके नंबर करते हैं। डार्क में होता है अनसेचुरेशन पे, यानी कि डबल बॉन्ड पे, और लाइट में होता है सैचुरेशन पे, यानी कि सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड पे एडिशन हो रही है, सिंगल बॉन्ड पे सब्स्टिट्यूशन हो रही है, हाइड्रोजन को निकाल के ब्रोमीन आ गया। तो ये रिएक्शन क्लियर हो गई? कोई डाउट है तो बताओ, समझ में आ गया होगा? चलो तो ये था हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 32। 32 के बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गया 34। राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। बोलो मैकेनिज्म तो करवाई, यही आ रहा होगा दिमाग में, कोई बात नहीं, दिमाग का क्या चल रहा है। तो एक रिएक्शन बता दी, रिएक्शन मैं देख लेता हूं। एल्कोहल से हैलोजन बना रही है, इथेनॉल था उसमें HBr डाला, ऐसे मैंने याद करवाई थी, मैंने कहा एल्कोहल में HBr डालोगे ना पानी रिमूव हो जाएगा, बन जाएगा ब्रोमो इथेन साथ में पानी, यही रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म देखो,
ये है मेरे पास मेरा एल्कोहल, एच बी आर से हमें क्या मिलेगा, एच प्लस, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको अटैक कर लिया, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 OH2। इसके पास एक हाइड्रोजन पहले था, एक मैंने गेन करवा दिया, कितने हाइड्रोजन हो गए, दो, लेकिन ये हाइड्रोजन फीमेल मिला, लोन पेयर डोनेट किया, तो जब लोन पेयर डोनेट करेंगे तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब ऑक्सीजन ना इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं लगता, नेगेटिव चार्ज अच्छा लगता है, तो ये क्या करेगा, कहेगा मेरे पे पॉजिटिव चार्ज है, मैं नहीं रखूंगा, बॉन्ड टूट देगा, पानी बन के रिपूट हो गया, यहां पे क्या बचा, ये कार्बन में चल रहेगा, कहेगा बॉन्ड तोड़ी, अपना ही इलेक्ट्रॉन तो ले गया, मेरा भी ले गया, तो जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो कार्बन पे पॉजिटिव। अब यहां पे देखो एच पी आर था, एच पी आर में से आपने एच प्लस तो ले ही लिया, तो क्या बचा, बी आर नेगेटिव, पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा, ये लो मैकेनिज्म, और मैंने आपको बताया था जब आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करी थी, पर मैंने ऐसे नहीं बताया था, मैंने कैसे बताया था, एल्काइल हैलाइड होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो क्या करेगा,